अस्सलाम वालेकुम, पीके बसी से मैं हूं बिलाल। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह BRT पिशावर, यानी कि पिशावर मेट्रो बस भी आप जिसे कह सकते हैं, उसकी वर्कशॉप के अंदर बस की मेंटेनेंस, बस को वॉश, बस की चार्जिंग के साथ साथ इसकी फिलिंग कैसे की जाती है। BRT पिशावर के बारे में आपको बताता चलूँ कि जैसे पाकिस्तान के दूसरे शहरों जैसे कि लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस चलती है, इसी तरह पिशावर में BRT बस सर्विस चलती है, जो कि पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी सर्विसेज मुहैया करती है। इससे पहले भी BRT पे हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें टिकट लेने का तरीका भी बताया गया था और उसके अलावा बस के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई थी, बस का इंटीरियर रिव्यू भी किया गया था। अगर आप वो वीडियोज़ भी देखना चाहें तो आपको लिंक्स जो हैं वो नीचे मिल जाएंगे। BRT में हर दिन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। उसके बाद ड्राइवर्स को ज़रूरी हदायात दी जाती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर बस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, उसको मखसूस जगह पे लाकर उसकी लाइट्स और इंडिकेटर्स वगैरह को चेक किया जाता है। इसके बाद इसके वाइपर्स को चेक किया जाता है कि वो वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। इसके डोर्स को चेक किया जाता है। इसके डोर्स की ख़ास बात यह है कि अगर किसी का पाँव या हाथ इसके अंदर आ जाए तो ये बंद नहीं होते, ऑटोमेटिकली फिर ओपन हो जाते हैं। उसके बाद इसके इंजन की मेंटेनेंस की जाती है। उसकी सफाई की जाती है और उसकी ज़रूरी जो चेकिंग है वो की जाती है। इसके बाद यहाँ से बस को रवाना कर दिया जाता है फिलिंग के लिए। पहले बस की चार्जिंग की जाती है, क्योंकि ये बसेस जो हैं वो डीजल के साथ साथ चार्जिंग पे बैटरीज पे भी चलती हैं, तो इसलिए इनकी चार्जिंग भी की जाती है। ये 35 से कम की जब स्पीड पे चलेंगी तो ये चार्जिंग पे चलेंगी और बहुत ही कम फ्यूल यूज़ करेंगी। इसकी चार्जिंग करने के बाद इसमें फ्यूल फिल किया जाता है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी फिलिंग हो रही है। इसकी फिलिंग के बाद इसका जो आखिरी प्रोसेस होता है वो होता है बस को वॉश करना। और सबसे जो अहम बात है कि इसके जो जहाँ पे बस को वॉश किया जाता है वो टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि वहाँ पे जस्ट बटन दबाने से ही पूरी बस है वो वॉश हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें पानी कम से कम ज़ाया होता है। ये आप देख रहे हैं कि इस बस को वॉश किया जा रहा है खुदकार तरीके से, और वॉश होने के बाद बस अपने रूट पर रवाना कर दी जाती है। यह थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।